बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना और मैं बनाने जा रही हूँ अपनी किचन में मटन चाप फ्राई। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले गैस के ऊपर एक कुकर रखेंगे और इसके अंदर धुले हुए मटन चाप डाल देंगे। ये करीब करीब 8 है। और फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। एक छोटी प्याज चॉप की हुई डाल देंगे। 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे और 1/2 गिलास पानी डालकर कुकर का लिड बंद करेंगे और इसमें 2 से 3 विसिल लगने तक इसे पका लेंगे। तीन विसिल लगने के बाद गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पर इसे 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। तो 10 मिनट बाद कुकर का लिड खोलकर चेक करेंगे कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर पानी है और ये 80% तक कुक हो चुका है। तो अब गैस का फ्लेम हाई करेंगे और इसका पानी ड्राई हो जाने तक इसे खोलकर पका लेंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसके अंदर 1/2 कप दही डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून बेसन और 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया और 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला और 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और 1/2 नींबू का रस डालेंगे और 1 टेबल स्पून नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखें चाप का पानी ड्राई हो गया है और ये 90% तक कुक हो चुका है। तो अब इसे अलग हटा देंगे और गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे। तो अब इसके अंदर ऑयल डालेंगे और ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि चाप को डीप फ्राई करना है। तो देखें जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ था उसके अंदर 1 पिंच रेड फूड कलर डालेंगे, इससे फ्राइड चाप का कलर अच्छा आएगा। और बेसन मैंने थोड़ा सा बचा लिया था उसे भी ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखें चाप हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है। तो एक एक करके मसालों में कोट करेंगे। और इसे ढककर 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे। तो देखें 10 मिनट हो चुका है और ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब एक एक करके चाप डालेंगे। पहले 2 डालेंगे और 1 मिनट बाद इसे पलट देंगे। और फिर 2 चाप और डाल देंगे। तो जिस चाप को 1 मिनट बाद हमने पलट दिया था उसे 2 मिनट बाद बाहर निकाल लेंगे क्योंकि गोश्त हमारा पका हुआ है। इसे सिर्फ मसालों का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करना है। तो देखें चाप हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये ऊपर से क्रंची और अंदर से जूसी है। ये बहुत ही मज़े का बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे ग्रीन चटनी और सैलेड के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।